जिंदगी में सक्सेसफुल कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। इतिहास के पन्ने उठा के देख लो, जिसने ईमानदारी से पूरी जुनून के साथ अपना काम किया, दुनिया उसके कदमों में झुक गई। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्या पता इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और दुनिया के लगभग आधी आबादी उन्हें बापू मानती है। जिंदगी की शुरुआती सफर में वकालत की पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे। एक दिन की बात है, गांधी जी ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट लिए और अपने सीट पे बैठने चले गए, लेकिन अश्वेत यानी कि काला होने के कारण उन्हें वहां के अंग्रेजों द्वारा सीट पे बैठने नहीं दिया गया। ट्रेन से धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। गांधी जी ने मन ही मन कहा, अंग्रेजों तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुझे अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद क्या हुआ आप सब लोग जानते ही हैं। एक आग होना इंसान के अंदर बहुत जरूरी है। अपने जुनून की आग के बदौलत गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अमिताभ बच्चन का नाम आज कौन नहीं जानता, लेकिन वो समय भी था जब बच्चन जी को उनके भारी भरकम आवाज के चलते रेडियो चैनल से निकाल दिया गया था। अपनी बेइज्जती का बदला उन्होंने क्या जबरदस्त लिया। अपने जुनून की ताकत से हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना और भारत समेत दुनिया के कई देशों के सिनेमा जगत में राज करने लगा। अपने अंदर का जुनून इंसान को आदमी से मशीन बना देता है। दशरथ मांझी को आप लोग जानते ही होंगे। हॉस्पिटल के रास्ते में पहाड़ होने के कारण उनकी बीमार गर्भवती पत्नी मर गई। फिर क्या था, सिर्फ और सिर्फ अपने जुनून की आग से एक पहाड़ का सीना चीर डाला। 22 साल तक लगातार पहाड़ काटता रहा। हमें अपने अंदर के जुनून को जगाना होगा, उसमें आग भड़काना होगा, गुस्सा पैदा करना होगा, तभी हम सफल बन पाएंगे। हिमा दास, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा और आप लोग जरूर जानते होंगे। असम के एक छोटे से गांव में जन्मे हिमा दास बहुत गरीब परिवार थी। पहनने के लिए जूते चाहिए थे, लेकिन पिता के पास पैसे ना होने के कारण नंगे पांव दौड़ी। और 2019 में 18 साल हिमा दास ने एक महीने के भीतर लगातार 5 बार भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीती। इतिहास बदल दिए, पैमाने बदल दिए। एक आग जो बचपन से सीने में भड़का था उसको जलाए रखी और अपने जुनून से अपना भाग्य बदल दी। मिस्टर बीन का वीडियो कभी ना कभी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। मिस्टर बीन का असली नाम रोवन एटकिंसन है, जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। मिस्टर बीन को बोलने की बीमारी है। शुरू में वह कॉमेडी के कई सारे टीवी चैनल में काम करना चाहा, लेकिन हकलाने के चलते उन्हें काम नहीं दिया गया। कई बार वो रिजेक्ट कर दिए गए। अंत में उन्होंने खुद से अपनी वीडियो बनाई और इतिहास रच दिया। दोस्तों, हमें अपने अंदर आग भड़काना होगा, जुनून की आग जलानी होगी। कोई सा भी काम हो, कोई सा भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए अपने अंदर की आग, अपने जुनून की आग भड़कानी होगी, तभी जाके सफलता हाथ लगेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।